सहायक अध्यापक और पीजीटी के पदों पर दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती कुल 1752 रिक्त पदों पर है, जिसमें 900 पद पीजीटी के लिए और लगभग 800 पद सहायक अध्यापक पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया 9 जनवरी से ही शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 फरवरी 2024 है। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं उम्मीदवारों द्वारा इस भर्ती के लिए लिए जाने वाले आवेदन शुल्क के बारे में। तो आपको बता दें कि अभ्यर्थियों से इस आवेदन के लिए कुल 100 रुपए लिए जाएंगे। वहीं जो उम्मीदवार अपना संबंध SC ST से रखते हैं और दिव्यांग है, उनसे किसी प्रकार के शुल्क नहीं लिए जाएंगे। आवेदन शुल्क देने वाले वर्ग में आने वाले अभ्यर्थी अपना आवेदन SBI के ई पे मोड से ही करेंगे। यदि आप किसी दूसरे माध्यम से करते हैं तो आपके आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे, आपके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। आइए अब जानते हैं इन पदों के लिए उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं PGT शिक्षा को लेकर। तो इन्हें जरूरी है कि इन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री संबंधित विषय में या इसके समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो, साथ ही संबंधित विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री प्राप्त की हो। इसके अलावा उम्मीदवार ने BEd की डिग्री भी प्राप्त की हो। असिस्टेंट टीचर की बात करें तो इन्हें जरूरी है कि इन्होंने 12वीं की परीक्षा कम से कम 45% मार्क्स के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से पास की हो। साथ ही नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट BEd में कम से कम 2 साल के होने जरूरी है। हालांकि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना को देख सकते हैं। दोनों ही पदों के लिए अधिसूचना लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा सैलरी आदि से संबंधित अधिक जानकारी भी आप इसके अधिसूचना में देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इन पदों के लिए होने वाले परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो बता दें कि DSSB भर्ती की परीक्षा असिस्टेंट टीचर के लिए एक टियर ही आयोजित होंगी और PGT के लिए भी एक ही परीक्षा आयोजित होनी है। आइए अब आखिरी में जानते हैं इन पदों के लिए कोई भी उम्मीदवार आवेदन कैसे करें। लेकिन आवेदन से पहले इसके अधिसूचना को एक बार अच्छी तरह जरूर पढ़ लें, इसके बाद इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। साथ ही आधिकारिक लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप चाहें तो यहां से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके बाद इसके होम पेज पर आपको अप्लाई लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करें। फिर यहां आने के बाद खुद को रजिस्टर्ड कर आगे की प्रक्रिया पूरी करें। ध्यान से आवेदन फॉर्म भरें और मांगे जा रहे सभी दस्तावेजों को अपलोड कर दें। फिर सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसे अपलोड कर दें। इसका एक प्रिंट अपने पास जरूर रख लें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।